हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेवरेट डिश कांदा पोहा। कांदा महाराष्ट्र में प्याज को बोला जाता है, इंग्लिश में हम जिसको अनियन डिश कहते हैं। तो इसके लिए हमने सारी सामग्री तैयार कर ली है, तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ईजी है बनाना और इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स चाहिए आपको, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले पोहे को भिगोएंगे। अब ध्यान रखिए, इसके लिए हमने थोड़ा मोटे वाला पोहा लेना है, ज्यादा बारीक वाला पोहा नहीं लेना है। हम पोहे को ज्यादा नहीं भिगोएंगे, हम इसको दो लेंगे। अगर आप ज्यादा भिगोगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको धोएंगे। अब हम इस पोहे में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इस कढ़ाई में अभी थोड़ा सा एक तेल लेंगे, कढ़ाई में उसमें हम क्या करेंगे, कच्ची मूंगफली लेंगे और उसको भूनेंगे। धीरे धीरे इनको बीच में हिलाते रहेंगे कि मूंगफली हमारी नीचे जले नहीं। अब देखेंगे कि हमारी मूंगफली अच्छे से भुन रही है। इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक ये थोड़ी सी लाल नहीं हो जाती। दोस्तों, हमारी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा गैस को भी कम कर लेंगे। अब हम इस तेल में डालेंगे थोड़ी सी राई, खूब सारा पान कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से चलाएंगे। तो हमने प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं है, इसलिए नहीं तो इसका वो प्याज वाला टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको हमने थोड़ा कम ही भुनना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च मत डालिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पोहा। अब हम इसमें डालेंगे पीनट्स जो हमने भून के रखे हैं, थोड़ा सा नींबू का रस, खूब सारा हरा धनिया। दोस्तों, अभी पोहा को ज्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये सूख जाएगा इसमें से पानी और ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसको आपने ज्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी देर ही धीमी आंच पे पकाएं। तो दोस्तों, हमारा पोहा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो हम गैस बंद कर देंगे, इसको थोड़ी देर हिलाएंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी भी गर्म है। हमारी रेसिपी कैसी लगी, अपने व्यूज हमारे कमेंट में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई रेसिपीज देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एशियन जायका।